नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड। 9 जनवरी मंगलवार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। बिहार रुपेश हत्याकांड में डीजीपी बोले, एयरपोर्ट पार्किंग को लेकर चल रहा था रुपेश का विवाद। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा, 8 महीने में होने वाले थे रिटायर। चिराग पासवान बोले, बिहार में तेजी से बढ़ रहा है क्राइम ग्राफ, यह है चिंता का विषय। वेब सीरीज स्टैंड अप पर स्वामी दयानंद महाराज ने दी धमकी, बोले आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए तो झारखंड में भी होगा तांडव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लगा बड़ा झटका, पत्नी के नाम जमीन रजिस्टर हुई रद्द। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में राज्य के डीजीपी ने एक बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कहा कि एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके को लेकर रुपेश का कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था। रुपेश के परिवार के कई लोग ठेके में शामिल थे। पुलिस जांच के अंतिम दौर पर पहुंच गई है। डीजीपी ने कहा कि रुपेश हत्याकांड के मामले में पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है, इस मामले में जल्द खुलासा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि रुपेश सिंह की हत्या के लिए बाहर से सुपारी किलर बुलाए गए थे। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। वह अगले 8 महीने में रिटायर होने वाले थे। नीतीश कुमार सरकार ने उनकी सेवा 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। ऐसा करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में प्रकाश सिंह बनम, भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का जिक्र है। अब डीजीपी सिंघल 9 दिसंबर 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में रोजाना हत्याएं हो रही हैं, क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है, लेकिन 6 महीने तक बिहार सरकार के कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि यदि 6 महीने बाद भी बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो वे दोबारा से अपनी बातों को मुखर रूप से रखेंगे। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान उठाया था, उसमें अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। अभी तक जस की तस है, नीतीश कुमार की नई सरकार बनी है, सरकार के पास 6 महीने का समय है, इतने समय में बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए। वेब सीरीज स्टैंड अप का झारखंड में भी विरोध शुरू हो गया है। स्वामी दिव्यानंद महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस सीरीज में आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए गए तो रांची में भी स्टैंड अप होगा। स्वामी ने कहा कि फिल्मों के जरिए हिंदू सनातन संस्कृति का बार बार मजाक उड़ाने की चेष्टा की जाती है। हिंदू पंडितों और साधु संतों को कॉमेडी रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं का मूल स्वरूप बिगाड़ कर उनके रूप को परिवर्त कर पेश किया जाता है, इससे हिंदू समाज आहत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बड़ा झटका लगा है। देवघर उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी मंजूनाथ ने सांसद की पत्नी के नाम रजिस्टर एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी है। साथ ही पत्नी अनामिका गौतम और सांसद पर एफआईआर दर्ज करने एवं ईडी जांच करने का आदेश दिया है। उपायुक्त कोर्ट ने यह आदेश एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम पर देवघर की एलओकेसी धाम की जमीन 29 अगस्त 2019 को रजिस्टर हुई थी। सांसद की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ 3 करोड़ रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, जबकि जमीन की वैल्यू करीब 9 करोड़ रुपए है। इस मामले को लेकर देवघर के शशि सिंह
और विष्णुकांत झा ने डीसी से शिकायत की थी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।